वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने हिंडालको पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया था और मैं उस पर ज्यादा कन्विंस्ड हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड काफी बेरिश है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को जल्द टेस्ट करेगा। तो हिंडालको में एक सेल कॉल है, 521 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन कोई बाउंड बैक आज मिलेगा तभी वहां पर बिकवाली करें। सचिन, एक और चीज आपको याद होगा, हमने कार्यक्रम में दो तीन पॉइंट्स डिस्कशन और किए थे। देखिए, एक तो मेटल्स की वीकनेस थी, मतलब वीकनेस प्ले करनी है तो कहाँ कहाँ पर। अगर एक सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट्स पे कंफर्टेबल नहीं है इंडेक्स में, दो स्टॉक्स लेके आइए। बजाज फिनसर्व की आपको याद होगा हमने पुट भी ट्रेड की थी और एक बजाज फाइनेंस। हालांकि फिनसर्व टेक्निकली आउट ऑफ दीज टू ज्यादा वीक है। एच टू का हाल आपको मालूम ही है सचिन। एच टू और बी टू में से नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कोई पुट प्लस, अगर आप इन लेवल्स पर भी शॉर्ट करने में इन दोनों में से किसी स्टॉक को या फिर चारों में से अगर कंफर्टेबल हो तो वो कौन सा होगा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर HDFC ट्विन्स का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था, काफी बड़ी वीकनेस यहाँ पर ऑलरेडी अनलॉक हुई थी एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर दोनों स्टॉक्स को देखे प्राइस पैटर्न के लिहाज से, रिवर्सल्स के लिहाज से, तो दोनों HDFC स्टॉक्स में यू नो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हरामी फॉर्मेशन है एंड एक होमिंग पिजन फॉर्मेशन है, तो ये दोनों काफ़ी अच्छे संकेत होते हैं एक बॉटम फॉर्मेशन के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तो डेफिनेटली फ्रेश शॉर्ट्स करने की या फ्रेश शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करने की तो मैं सलाह नहीं दूंगा। एंड बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस में से अगर मुझे चूज करना है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व का जो वीकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वन शेड मुझे लग रहा है और डार्कर है। तो लिटरली अगर इसको हम थोड़ा सा और डाइसेक्ट करें तो 15,500 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ पर एक रिवर्सल बनने की उम्मीद थी, वो उम्मीद फाइनल सेशन में निकल गई है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स ज़रूर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट की डाउनसाइड यहाँ पर अभी भी नज़र आ रही है एंड जिस तरीके से डेटा शेपअप हो रहा है मुझे लग रहा है 16,000 का एक इम्पॉर्टेंट पिवोटल रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं बनती आई थिंक तब तक एक रिवर्सल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट थर्सडे के सेशन में भी हमने एक अटेम्प्ट यहाँ पर फेल होते हुए देखा था, तो लगभग मुझे लग रहा है 16,000 का एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस हो सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए। एंड सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है 14,500 14,600 के पहले कोई मेजर सपोर्ट बजाज फिनसर्व में तो नज़र नहीं आता। तो मुझे लग रहा है ऑफ द फोर बजाज फिनसर्व के वीकनेस को मैं प्ले आउट करना चाहूँगा ऑन द शॉर्ट साइड एंड HDFC ट्विन्स को मुझे लग रहा है इग्नोर करना चाहिए। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी वीकनेस यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है एंड दोनों में कहीं जाकर रिवर्सल के पहले संकेत आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे व्यूज। लौटेंगे कई और स्टॉक्स से जो मार्क करने की जरूरत है, फ्राइडे के टॉप मूवर्स एंड शेकर्स, उन पे आगे बातचीत। लेकिन अब जरा स्टॉक्स इन न्यूज, रिजल्ट सीजन, इन सब पे फोकस कर लिया जाए। हर्षदा आपको स्टूडियोज में रेडी नजर आएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सैटरडे को इंतजार कर रहे थे ICICI बैंक के जो शाम को नंबर्स आने थे। नंबर से पहले स्टॉक वीक था, खैर स्टॉक क्या वीक था, पूरा बाजार वीक था। दिन के लोज पे जाके ICICI बैंक बंद हुआ और इससे पहले ICICI बैंक की जो सब्सिडरीज आर्म्स थे, ICICI लोम्बार्ड हो, ICICI प्रू हो, ICICI सिक्योरिटीज हो, ICICI प्रू के तो फिर भी नंबर्स ठीक थे, सिक्योरिटीज और लोम्बार्ड के खराब नंबर्स थे, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स का डर भी सता रहा होगा बाजार को। लेकिन हर्षदा नंबर तो अच्छे रहे, बहुत ही अच्छे रहे। इनफैक्ट आप कह सकते हो और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि टर्न अराउंड दिखाया है बैंक ने और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी